सर ये घाव देख रहे हैं, ये भी सवी की देन है। कल जब वो जोर जबरदस्ती करने की कोशिश कर रही थी ना, तो उसने मुझे धक्का मारा था। कमाल है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। जब क्लास में उसके साथ किसी ने बदतमीजी करने की कोशिश की थी, तो उसने तो पूरा कॉलेज सर पे उठा लिया था, और अब तुम्हारे साथ घर में ऐसी हरकत कर रही है। यही तो मैं बोल रहा हूँ सर, इस लड़की के दो दो चेहरे हैं। एक चेहरा जो ये दुनिया को दिखाती है, दूसरा चेहरा जो असली है। सर ये लड़की एक सेकंड में ऐसे लगेगा कि कितनी भोली भाली सी, कितनी सीधी सादी सी, और सर उसके अगले ही सेकंड इसके सर पे गुस्सा हावी हो जाता है, और थोड़ी देर बाद सर ये माफी भी मांगने लगती है। सर इसके बारे में थोड़ा बहुत तो आपको ही पता होगा। तुम कितनी बड़ी बात कह रहे हो, इसका अंदाजा है तुम्हें? सर जब मैं सच बोल रहा हूँ तो फिर बड़ी बात क्या और छोटी बात क्या। सर मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप इस लड़की को अपने हॉस्टल में कमरा मत दीजिएगा। सर ये वही बात हो जाएगी कि आपने खुद अपना पैर कुल्हाड़ी पे मारा है। सर मैं इस लड़की को आज के आज अपने घर से निकालने वाला हूँ, और सर बेहतर यही होगा कि आप भी इसे यहाँ पे कमरा मत दीजिएगा। सर परेशान होगी तो जाएगी अपने गाँव वापस ही, सर तब कहीं जाके इस सभी नाम को सरदर्द से हमको छुटकारा मिलेगा। अब सर आप ही बताइए, कल को इसने कुछ उल्टा सीधा कर लिया तो बदनामी तो हमारी होगी ना। आप लोग मेरी बात में विश्वास तो कर रहे हैं ना सर? मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। निशान, इस सवी ने बहुत प्रॉब्लम खड़ी की हमारे लिए। जब ये बात पता चली है तो उसको पोस्टर रूम देने से सोचना पड़ेगा, हमको रिस्क नहीं ले सकते हम। सही कह रहे हैं काका साहब, हमको रिस्क नहीं ले सकते, बल्कि ये तो मैं शुरू से कह रहा हूँ कि उसे हमारे हॉस्टल में रूम मिलना ही नहीं चाहिए। तो अब तो ये तय हो गया, इट्स फाइनल, सभी को हम लोग हॉस्टल में रूम नहीं देंगे। ये जो भी तुमने अभी कहा है, कल आके कमेटी मेंबर के सामने कह सकते हो? बिल्कुल बोल सकता हूँ सर, एक बार के हजार बार बोल दूंगा सर, आप बोलिए तो। ठीक, तुम जा सकते हो, अगर तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो मैं फोन कर दिया जाएगा। जाते बाद शुक्ला को नंबर दे देना। नमस्कार सर। नमस्कार।